खाते हो। बिल्कुल काफ़ी धूम मस्ती हुई और मैंने कभी सुना भी नहीं था और देखा पहली बार कि जब दुल्हन आ रही है तो बहुत सारा ढोल धड़ाका हो रहा है और बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा है और उनकी एंट्री खास लाजवाब थी जो कि बिल्कुल यूनिक थी। ओके कहना, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कोई मतलब खास प्लानिंग थी कि दुल्हन को ये मुझे कुछ खास ही इस बारे में पता नहीं था। मेरी बहन है छोटी माला, उसी ने सब कुछ प्लान किया था। हालांकि दुल्हन वेट करती है दूल्हे का, बारात आती है उसके बाद चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। मैंने वेट करवाया, ये आके रुके हुए थे यहाँ पर। हाँ, लेकिन जो ढोल हुआ और जिस तरीके से स्वागत हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ मेरे लिए सरप्राइज, आप सबको भी मैंने दिखा, ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज था। ब्राइडल लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ब्राइडल लुक के बारे में मैंने बहुत काम किया है अपने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे ये लटकन है मेरा, ये मैंने बनवाया, ये बनाया मैंने, और मेरे ब्लाउज पे भी ये लिखा हुआ है सौभाग्यवती भव। वैसे वो रेड वाला जो वो जो दूसरा वाला है कॉमन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो ये किया मैंने। और सारी चीज़ों की शॉपिंग मैंने खुद जाके की अपनी डिज़ाइनर के साथ। ये डबल लेयर है, मैंने मतलब चीज़ें अलग अलग कपड़ा लेके बूम हटाओ, मुझे चाहिए था कि अलग हो। और हर एक दुल्हन को यही लगता है कि उसका आउटफिट अलग हो और हटके हो और बढ़िया हो, तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं जैसा चाहती थी। हाँ, मैंने चूड़े पर भी काफ़ी वर्क किया है, हालांकि मैंने देखा नहीं था, लेकिन अपनी बहनों को बताया था कि मुझे ऐसे वाले चाहिए। शलभ, आज तो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट बनती है। हाँ, मैंने इनको भी अपना जोड़ा नहीं दिखाया था, इनको कुछ नहीं पता था मैं क्या पहन रही हूँ, कैसा पहन रही हूँ। तो हाँ, आपका जो पहली बार आपने देखा जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पलके कब बंद करूँ। बंद ही नहीं हो रही थी पलके, मैं सिर्फ देखता ही रहा था। और शी इज लुकिंग स्टनिंग। फाइनली कामया, बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, एंड विश यू बोथ अ हैप्पी जर्नी। थैंक यू।